ईश्वरानंद सरस्वती महाराज जी का दो दिवसीय प्रवास पर कवर्धा पहुंचे। शंकराचार्य महाराज के कवर्धा आगमन पर जगह जगह भक्तों ने ढोल बजाए व आतिशबाजी कर भव्य स्वागत किया। स्वामी जी ने जिले में हो रहे श्रीमद् भगवत गीता श्री रुद्र महायज्ञ में सम्मिलित होकर भक्तों को दर्शन दिए। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि सनातन धर्म के मार्ग पर चलकर ही अपने जीवन के उद्देश्य को समझा जा सकता है। साथ ही बेशरम रंग, ज्ञान व्यापी, ज्योतिष मठ जैसे कई मुद्दों पर सवाल उठे, जिनका स्वामी जी ने बड़ी सहजता से जवाब दिया और कहा कि ये सभी हमारी संस्कृति से जुड़े हुए हैं और अगर संस्कृति और सभ्यता को ठेस पहुंचेगी तो एक नहीं हजारों साधु संत खड़े हो जाएंगे। तो भगवान की लीला का चिंतन तो हम कवर्धा में बैठ करके भी कर सकते हैं, लेकिन जब वृंदावन में पहुंच जाते हैं तो माहौल कुछ अलग हो जाता है। हमारी मानसिकता में ये आ जाता है कि हम तो भगवान की ही जगह में आ गए और फिर वहाँ पर एक एक लीला का चिंतन करने के लिए सहायक सामग्री की आवश्यकता हो। कहीं मन की लीला है, कहीं गोचारण की लीला है, कहीं दूसरी कोई लीला है, तो अब उन लीलाओं में भक्तों के मन को लगाने के लिए ये व्यवस्था है। पूरे देश में जोशीमठ का वातावरण बना हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात इसलिए है कि वहाँ की जो सरकार है उसका जो व्यवहार है वो ऐसा है कि जैसे जोशीमठ कोई कस्बा हो और उस कस्बे में कोई समस्या आई हो और उसका हमको निराकरण करना। आप जब ये बात कहते हैं सुदूर 1000-2000 किलोमीटर दूर बैठ करके और कहते हैं पूरे देश में माहौल बना हुआ है, तो ये सोचना पड़ता है कि जोशीमठ में ऐसी क्या बात है जिसके कारण पूरे देश में माहौल बना है।